हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्ती कर रहे होंगे और रेडियो लॉन्चर्स पे अपने सारे डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, आज का पार्ट क्या है, विटामिन्स। और विटामिन्स ये बायोमोलिक्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कवर करेंगे। छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी और इस वीडियो के बाद आप कभी भी चाह कर भी विटामिन्स नहीं भूलने वाले। स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स दो हिस्सों में हम बांट देते हैं विटामिन्स को। एक रहते हैं फैट सोल्यूबल और दूसरे रहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल में हमें देखने को मिलते हैं ए डी ई के, ए डी ई के एंड विटामिन सी। वाटर सोल्यूबल के दो हिस्से हो जाते हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी। विटामिन सी का जो केमिकल नाम रहता है उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, अरे अरे स्पेलिंग नहीं आती एस्कॉर्बिक के, सर को आती बेटा, आती है, गलती हो जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से हमारे ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलता है। तो हमारे इस पूरे पार्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि विटामिन के केमिकल नाम क्या है, साथ ही साथ इन विटामिन के डिफिशियंसी के वजह से कौन सी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें डिफिशियंसी डिसीजेस हमें ध्यान रखना है। ओके, सारी ट्रिक्स आपको बताई जाएगी, बस आपको अपना 5 से 10 मिनट जो भी होगा वीडियो का लेंथ वो अच्छे से यहाँ पे स्पेंड करना है। विटामिन बी में आपको 8 तरीके के अलग अलग विटामिन देखने को मिलते हैं। B1, B2, B3, B4 है नहीं, B5, B6, B7, B8 नहीं है, B9 और डायरेक्टली B12। इनके केमिकल नेम याद करने में सबको दादी अम्मा याद हो जाती है, जो कि हम इजीली आपको बताएंगे और इनके डिफिशियंसी सिंड्रोम्स भी आपको इजी तरीके से समझाएंगे। तो पहले हम फैट सोल्यूबल लर्न कर लेते हैं। फैट सोल्यूबल कैसे याद करेंगे, देखो हमारे पास एक कीड़ा है जो कि बहुत ज्यादा फैटी है, तो हम क्या याद रखेंगे, फैटी कीड़ा, फैटी कीड़ा। और फैटी कीड़ा से हमें फैट पता चल जाएगा कि ये फैट सोल्यूबल है। कीड़े से हमें पता चल जाएगा के ई डी ए, के ई डी ए। ओके, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब ये एस्कॉर्बिक एसिड तो लर्न हो जाएगा आपको, एक चीज विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड ये लर्न हो जाएगा आपको। विटामिन बी को याद करने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक समझा रहा हूँ, उनमें से जो आपको इजी लगती है उनको फॉलो करना। पहली लाइन ध्यान रखना, द रोनाल्डो एंड पाउलो प्लेड फॉर बायोचेस्टर फुटबॉल क्लब। तो जो जो आपको रेड लेटर्स में दिए हैं उनके ही मीनिंग आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम B1 को लिखेंगे, फिर B2 को लिखेंगे, फिर B3 को भी लिखेंगे, B4 तो है ही नहीं तो क्यों लिखें, B6, फिर उसके बाद में B7, फिर उसके बाद में B9 एंड B12। अब यहाँ भी हम इनके कर लेंगे, इनकी कर लेंगे केमिकल नेम, और यहाँ से हम केमिकल नेम ध्यान रखेंगे इनके, और साथ ही साथ हम इनके डिफिशियंसी भी ध्यान रखेंगे। तो कौन से डिसीजेस होने वाले हैं ये भी हम अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। यहाँ डिसीजेस के बारे में लिख लेते हैं, यहाँ इनके केमिकल नामों के बारे में ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आगे की प्रोसेस को। तो ट्रिक जैसे कि सर आपने लिख के दी है, द रोनाल्डो, द रोनाल्डो, द रोनाल्डो एंड पाउलो प्लेड फॉर बायोचेस्टर फुटबॉल क्लब। तो द रोनाल्डो, द से आ जाएगा यहाँ पे थाई अमीन, थाई अमीन। रोनाल्डो से आ जाएगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। रोनाल्डो से आ जाएगा राइबोफ्लेविन। एन से आ जाएगा नियासिन, नियासिन। पाउलो से, पी से आएगा पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड भी बोल सकते हो, पेंटोथेनिक भी बोल सकते हो। देन उसके बाद में आ जाएगा क्या, पी, पी फिर से आ गया, पी मतलब B6। यहाँ पे आ जाएगा पीरिडॉक्सिन, पीरिडॉक्सिन, पीरिडॉक्सिन। B7 फिर प्लेड फॉर बायोचेस्टर, बायो, बायो मतलब बायोटीन, बायोटीन। B7 फुटबॉल, FO मतलब फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। एंड लास्ट वन सी, सी से आ जाएगा कोबालामिन, कोबालामिन। तो देखो इस सिंगल लाइन से आपको पूरा का पूरा विटामिन बी अच्छे से याद हो गया। और एक ट्रिक अगर हम बताएं इसको लर्न करने के लिए, तो वो भी है, आप ध्यान रख सकते हो, ऐसे ऐसे ध्यान रख सकते हो, TRN मतलब ट्रेन, ट्रेन, फिर उसके बाद में पुल, ट्रेन कहाँ पे चल रही है, पुल पर बहुत, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। टी से आ जाएगा वही थायामीन, ये हो जाएगा हमारे लिए थायामीन। फिर आर से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। एन से आ जाएगा बेटा नियासिन, पी से आ जाएगा पैंटोथेनिक, पैंटोथेनिक। फिर पर से आ जाएगा पिरिडॉक्सिन,
पिरीडॉक्सिन, बहुत से आ जाएगा बहुत बायोटीन, फास्ट से आ जाएगा फॉलिक एसिड और चली से आ जाएगा कोबालामीन, कोबालामीन। तो आपको जो भी ट्रिक इजी लगती है वो आप फॉलो कीजिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में हम याद करते हैं इनके डिफिशियंसी डिफिशियंसी प्रॉब्लम्स को। तो इनको डिफिशियंसी प्रॉब्लम को याद करने के लिए हम एक फिर से ट्रिक लेके आए हैं। यहाँ पे हम तीनों को याद करेंगे, BAP मतलब बाप, तो इसको गलत तरीके से मत लेना, गलत तरीके से मत लेना, ये हो जाएगा बाप, बाप, BAP बाप, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ लिख देते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि हमारे बच्चा पार्टी इसको नोट कर ले। अरे हाँ चलो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाप, तो BAP ये हो जाएगा बाप। फिर उसके बाद में बापू के जो पेट में है बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्वेलिंग, स्वेलिंग इन स्टमक इंटेस्टाइन, स्टमक के इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी है हमारे बापू के इसमें इंटेस्टाइन। उसके बाद में यहाँ ध्यान रखेंगे, फिर उसको दवाई दी बापू को, हमारे दवाई दी डॉक्टर में, वो कौन सी थी, चैप नाम की, कौन सी थी, चैप नाम की, ठीक है। तो बापू को पेट में दर्द हो गया और डॉक्टर ने फिर दवाई दी इनको, कौन सी, चैप नाम की। यहाँ से आप डिसीजेस याद रख सकते हो। अब इनके फुल फॉर्म ध्यान रखिए, बापू में आ जाएगा बेरी बेरी, बेरी बेरी, बेरी बेरी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा अफेक्ट कर जाता है, हमारे जो खाने का पचना है वो अफेक्ट कर जाता है। देन इसमें अराइबोफ्लेविनेसिस, अराइबोफ्लेविनोसिस, इसमें हमें ड्राई तरीके का, हमारे जो लिप्स है वो ड्राई होने लगेंगे, हमारा गला ड्राई होने लगेगा, हमारा चेहरा चेहरा एकदम ड्राई दिखने लगेगा। फिर आ जाता है पेलेग्रा, पी से आ जाता है पेलेग्रा, पेलेग्रा में हमें देखने को मिलता है डायरिया, हमारे बॉडी डायरिया मतलब बहुत ज़्यादा छिची छिची होने लगती है, एंड हमारे बॉडी में मेंटल प्रॉब्लम्स डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ पेलेग्रा। तो तीन डिसीजेस हमें याद हो गए होंगे बाप से, BAP। उसके बाद पैंटोथेनिक, तो पैंट से पता चल गया, पैंट कहाँ पहनते हैं, पैंट मतलब पेट, ध्यान रखो। सो स्वेलिंग इन स्टमक इंटेस्टाइन, पेट के इंटेस्टाइन में पैंटोथेनिक एसिड की कमी की वजह से स्वेलिंग आने लगती है। फिर हमें दवाई दी बापू को चैप नाम की, कौन सी, चैप नाम की, और चैप में आपको मिलेगा कॉन्वल्शन, सी से मिल जाएगा कॉन्वल्शंस, कॉन्वल्शंस मतलब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, कॉन्वल्शन मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में एच से क्या हो जाएगा, हेयर फॉल, बायोटीन की कमी की वजह से गंजापन हो रहा है, तो आज ही लाइए हमारा तेल, एलोपेसिया, हेयर फॉल को क्या बोलते हैं, एलोपेसिया, ठीक है, एलोपेसिया मतलब हेयर फॉल, जो कि साइफिल्स गनोरिया के सिम्टम्स में भी देखने को मिलता है। तो हमारे बॉडी में बायोटीन की कमी होती है, इस वजह से हेयर फॉल होने लगता है। देन फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड होगा तो अनीमिया हो जाएगा हमें, अनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ब्लड का जो, ब्लड का शेप रहता है, ब्लड ये फ्लैट होने लगता है, ब्लड का जो शेप है, जैसे हम ब्लड को बायो कॉनकेव शेप में देखते हैं, और वो फ्लैट होने लगता है, सिकल सेल बन जाता है, तो इस तरीके का अनीमिया हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी हमें परनीशियस अनीमिया देखने को मिलेगा, जब हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, तो हमें देखने को मिलेगा परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया। तो दो तरीके की अनीमिया ध्यान रखना है आपको, B9 में आपको अनीमिया जिसमें ब्लड ये फ्लैट बनने लगेगा, एंड कोबालामीन की कमी की वजह से परनीशियस अनीमिया। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ, और वहां पे हम कीड़े के बारे में ध्यान देते हैं। तो हमारे पास कैसा कीड़ा था, मोटा कीड़ा था, मोटा कीड़ा था, और मोटा से हमें पता चल गया कैसा, फैटी कीड़ा था, फैटी कीड़ा था, और फैटी से हमें क्या पता चला कि जो फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है वो कौन से भैया, वो है विटामिन, विटामिन के, विटामिन, विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन डी एंड विटामिन ए, विटामिन ए, ए। अब इनके हम केमिकल नेम ध्यान रखेंगे, और केमिकल नेम के लिए हम फिर से वही ट्रिक, कोई ना कोई ट्रिक बनाएंगे, क्योंकि बिना ट्रिक के तो हमारे बच्चों को याद नहीं होगा जल्दी से, हमें भी याद नहीं होता था बच्चों, टेंशन ना लो, पहली बार तो किसी को भी जल्दी याद नहीं होता है। चलो ट्रिक बनाते हैं हम यहाँ पे,
ट्रिक बनाते हैं, इसके केमिकल नेम के लिए ट्रिक है, पहले पहले ठोको, पहले इसको ठोक दो, पहले ठोको फिर कल रोको, पहले ठोको और फिर कल रोको, पहले ठोको फिर रोको, पहले ठोक दो फिर रोक दो। तो पहले से आ जाएगा यहाँ पे विटामिन के का नाम पाइलोग्यूनॉन, 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 पाइलोग्यूनॉन बेटा, भाई और बहनों पाइलोग्यूनॉन आपके शहर में। विटामिन ई से आ जाएगा टोकोफेरॉल, कौन आ जाएगा टोको, टोको से याद रखना टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। कल, कल से आ जाएगा कॉल्सिफेरॉल, कॉल्सिफेरॉल भाई और बहनों कॉल्सिफेरॉल। एंड विटामिन ए से आ जाएगा रेटिनॉल, रेटिनॉल। तो ये हो गए इनके केमिकल नाम, इन विटामिन के केमिकल नाम। इनके डिफिशियंसी सिंड्रोम्स हम डिसीजेस लिख देते हैं, कौन से हमें बीमारियां हो जाएंगी अगर ये विटामिन की कमी हमारे बॉडी में हो गई है। तो फाइलोक्विनोन की कमी की वजह से हो जाएगा हीमरेज, हीमरेज। अब ये हीमरेज क्या होता है सर? तो हीमरेज मतलब बेटा ऐसी कंडीशन जहाँ पे अनकंट्रोल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होने लगेगी, मतलब ब्लड क्लॉटिंग जल्दी से नहीं होती है क्योंकि कैल्शियम जो आयन्स है उनकी कमी हो जाती है, विटामिन के कम होता है। तो ठीक है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई, ई के बाद क्या आता है बेटा, ई के बाद क्या आता है, एबीसीडी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ई के बाद क्या आता है एफ, एफ मतलब फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाएगी, फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाएगी मतलब इनफर्टाइल होने लगेंगे ये, इनफर्टाइल होने जाएंगे ये, क्योंकि क्योंकि विटामिन ई कम हो गया, इनफर्टाइल मतलब ये बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बच्चे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, देन कॉल्सिफेरॉल, विटामिन डी की वजह से हो जाएगा कॉल्सिफेरॉल, मतलब हमारे बोन्स में, बोन्स में प्रॉब्लम होने लगेगी, हमें हो जाएगा रिकेट्स, रिकेट्स बोन्स, इसमें पेन बहुत ज्यादा जॉइंट्स में होने लगेगा। देन रेटिनॉल, रेटिना कहाँ रहता है बेटा, रेटिना किससे रिलेटेड है, आईज से, तो ये बीमारी भी किससे रिलेटेड है, आईज से, जिसमें हमें नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। ओके, तो ये हो गए पूरे विटामिन के बारे में। यहाँ पे शॉर्टली हम थोड़ा सा लिख देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में भी, एस्कॉर्बिक एसिड, अरे सर फिर से गलत स्पेलिंग कहाँ सर, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब क्या बेटा, विटामिन सी, विटामिन सी। और विटामिन सी के कमी की वजह से क्या होगा हमारे बॉडी में, ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलेंगे, ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलेंगे हमारे बॉडी में, इसको स्कर्वी भी बोलते हैं बेटा, स्कर्वी भी बोलते हैं। तो ये भी तरीके से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पूरी कहानी हो गई इसकी, विटामिन की। आई होप आपको ये पूरी ट्रिक वाइज अच्छे से समझ गया होगा विटामिन के बारे में। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से आपको खुद से सोर्सेस याद करने हैं कि इन विटामिन के सोर्सेस क्या है, इनके फंक्शंस क्या है। आपको सोर्सेस के ऊपर क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं, तो सोर्सेस अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि मिल्क से कौन से हमें मिलने वाले। देखो मिल्क से ए भी मिलता है, फिर उसके बाद B1 मिलेगा, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें मिल्क से, एग से ऐसे मिलते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से आप खुद नोट्स बना लीजिएगा, आपको इनके डिफिशियंसी सिंड्रोम्स हमने बता दिए हैं, आपको एक एक ही ध्यान रखना है, मेन 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 ध्यान रखना है आपको। विटामिन B2 की वजह से चीलोसिस, जिसमें हमने पढ़ा कि माउथ में, लिप्स में और टंग्स में सोरनेस देखने को मिलेगी, पेलेग्रा, ठीक है, इन एडेक्वेट देख हमने देखा। पाइंटोथेनिक एसिड की वजह से क्या बताया था हमने, इन जो हमारी स्टमक में बहुत ज्यादा स्विलिंग होने लगेगी वो। फिर कॉन्वल्शंस बताए हमने, डिप्रेशन, हेयर लॉस, मसल्स में पेन, मेटा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या मिलेगा इसमें, फॉलिक एसिड दवाई लेनी पड़ती है, याद करूँ, याद करूँ फॉलिक एसिड की दवाई, हाँ सिकल से लेने मिया, ठीक है। तो ये टेबल आप खुद से याद कर लीजिएगा अच्छे से, ट्रिक हमने बता दी है आपको सभी के याद करने की, सभी को याद करने की ट्रिक हमने अच्छे तरीके से आपको लर्न करवा दी है, इनके डिफिशियंसी डिसीजेस भी बता दिए गए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी, अच्छे तरीके से इनको ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीज़ें, आपके डाउट सारे क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे विटामिन के, पॉज करके उनको ट्राई कीजिएगा, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।